जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट एक नंबर का तो आता ही आता है इससे, और ज्यादा से ज्यादा दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये मध्य प्रदेश जीके में सबसे टफ माने जाते हैं। जिसका ये सही क्वेश्चन है इसका अर्थ है उसे बाकी में कवर उसने कर ही लिया। ओके, तो आज मैं इसका पीडीएफ वर्जन करवा रहा हूँ, इसका वीडियो लेक्चर अलग से है, आप उससे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये पीडीएफ वर्जन है, मैं इसमें सभी छोटे छोटे पॉइंट भी मैं इंडिकेट करूंगा, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी प्रस्तावना देखते हैं लोक नृत्य की, थोड़ी सा कि क्या कैसा है। भारत के किसी भी अन्य हिस्से की तरह मध्य प्रदेश देवी देवताओं के समक्ष किए जाने वाले और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्यों द्वारा अपनी संस्कृति का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। लंबे समय से सभी पारंपरिक नृत्य आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित लोक रंजन, तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है कि जो लोक रंजन महोत्सव होता है वो कहाँ होता है, ये आपसे पूछेगा। तो ये किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ये जो है, और मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित किया जाता है लोक रंजन। तो आपको क्या है, खजुराहो याद रखना है। ओके, मैं इसे डार्क करते चल रहा हूँ, जो जो आपको याद रखना है तो आप जैसे ये रहेंगे, तो लोक रंजन और ये खजुराहो आयोजित एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों के लोकप्रिय नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच है। आपसे पूछेगा लोक रंजन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ है, खजुराहो। ओके, ये आप जैसे फोटो देख सकते हैं उसी की, है ना, लोक रंजन महोत्सव खजुराहो की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राकृतिक और सहज नृत्य मंच पर आता है ना, तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बुंदेलखंड की। ओके, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के देखते हैं कि कौन सा क्या है। तब पूरा माहौल लहरा जाता है और देखने वाले मध्य प्रदेश की लय में बहने लगते हैं। मृदंग वाहक ढोलक पर धापों की गति बढ़ाना शुरू करता है और नृत्य में भी गति आ जाती है। गद्य या काव्य संवादों से भरा यह नृत्य प्रदर्शन स्वांग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जो बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है कौन सा है, स्वांग। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा है, स्वांग। स्वांग आपसे पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या लगाएंगे, बुंदेलखंड का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संगीत साधनों के साथ माधुर्य और संगीत से भरे नर्तक के सुंदर लोक नृत्य का यह अद्वितीय संकलन है। बढ़ती धड़कन के साथ गति बढ़ती जाती है और नर्तकों के लहराते शरीर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से किसी मौसम या अवसर के लिए नहीं है, लेकिन इसे आनंद और मनोरंजन की एक कला माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बघेलखंड। इसके बाद मैं अलग अलग नाम वाइज करवाऊंगा, अभी पूरा इसका करवा रहा हूँ। बघेलखंड का ने नृत्य ये बहुत ही फेमस है, तो आप बघेलखंड में कौन सा होता है, रे नृत्य। आपसे पूछेगा कि रे नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो क्या आंसर होगा, बघेलखंड। ये ढोलक और नगारे जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की संगत के साथ महिला वेशभूषा पुरुष पेश करते हैं ना, यानी कि महिला की वेशभूषा रहते हैं लेकिन कौन पेश करता है, पुरुष। वैश्य समुदाय में विशेष रूप से बच्चे के जन्म के अवसर पर बघेलखंड के अहीर समुदाय, ये पूछा है कि अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है कि महिलाएं यह नृत्य करती हैं, तो ये भी पूछा है। इस नृत्य में अपने पारंपरिक पोशाक और गहनों को पहनकर नर्तकियां शुभ अवसर की भावना व्यक्त करती हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं मटकी लोक नृत्य। ओके, अब मैं नाम वाइज करवा रहा हूँ, तो अब देखेंगे हम लोग मटकी लोक नृत्य जो है, तो इसको देखते हैं। मटकी मालवा का एक समुदाय नृत्य है जिसे महिलाएं, तो सबसे आप इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आपसे पूछे कि मटकी किस एक क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो आप क्या लगाएंगे, मालवा, है ना, तो किस क्षेत्र का है, मालवा क्षेत्र का। तो मटकी का माँ से मटकी है, माँ से मालवा क्षेत्र, जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पेश करती हैं, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि पुरुष करते हैं कि महिलाएं। तो इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। इस ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है ना,
स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला इसे शुरू करती है। तो झेला नामक महिला का संबंध किस नृत्य से है? मटकी नृत्य से। इस है ना शुरुआत होगी जिसमें अन्य नर्तकियां अपने पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढ़े शामिल हो जाती हैं। उनके हाथों के सुंदर आंदोलन और झूमते कदम एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा कर देते हैं। उन्होंने मटकी नृत्य कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं गणगौर लोक नृत्य। ये जो फोटो है गणगौर लोक नृत्य की है। अब देखते हैं यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। तो आज जो एसआई है और कॉन्स्टेबल है इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका डेज भी पूछता है कि कितने दिन तक ये लोक नृत्य चलता है या इनकी ड्यूरेशन। तो आप ये भी याद रखें 9 दिनों तक। इस त्योहार के अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुड़े हुए हैं। यह नृत्य निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर किया जाता है ना। तो किस क्षेत्र से गणगौर लोक नृत्य? निमाड़ क्षेत्र से। उनके देवता राड़ूबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। यह भी पूछा है कि किसकी भक्ति में किया जाता है गणगौर नृत्य। ओके नेक्स्ट देखते हैं बधाई। बधाई लोक नृत्य। तो इसमें बधाई बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आपको ये याद रखना है कि किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जन विवाह और त्योहारों के अवसर बधाई लोकप्रिय है। इसमें संगीत वाद्य यंत्र की धुनों पर पुरुष और महिलाएं सभी जोर जोर से नृत्य करते हैं ना। नर्तकों की कोमल और तकलाबाज हरकतें और उनके रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बरेड़ी। दिवाली के त्योहार से पूर्णिमा के दिन तक है ना। दिवाली अमावस्या को होती है तो कब तक ये चलता है? पूर्णिमा के दिन तक यानी 15 दिन पूरा की अवधि के दौरान बरेड़ी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश के इस सबसे आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शन में एक पुरुष कलाकार की प्रमुखता में रंगीन कपड़े पहने 8-10 युवा पुरुषों का एक समूह नृत्य करता है। आमतौर पर देवारी नामक 2 पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत होती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं नौराता। नौराता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। अविवाहित लड़कियों के लिए इस नृत्य का विशेष महत्व है। नौराता नृत्य के जरिए भिन्न ब्याही लड़कियां एक अच्छा पति और वैवाहिक आनंद की मांग करते हुए भगवान का आह्वान करती हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान 9 दिन घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नवरात्र की रंगोली बनाई जाती है। ओके आपको ये याद रखना है कि नवरात्र किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड क्षेत्र से। और मेंस में अगर लिखना है तो ये मेंस के लिए एमपीपीएससी के जो लोग कर रहे हैं उनके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि नवरात्र के बारे में टिप्पणी कीजिए। अहिराई। अब नेक्स्ट देखते हैं अहिराई। तो कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? अहिराई। ये इसी की फोटो है अहिराई की। तो आप इमेज देख कर भी याद रख सकते हैं कुछ ना। तो इसका देखिए भरम सेठम सेला और अहराई मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप मध्य प्रदेश की, अब देखिए मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है उसके 4 लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे। कौन से? भरम सेठम सेला और अहराई। ओके ये भारिया जनजाति द्वारा है मध्य प्रदेश के। तो आप इसे याद कर लीजिए। भारिया जनजाति के सबसे लोकप्रिय नृत्य विवाह के अवसर